हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गेज बाय वांडर वाल्स गेज इक्वेशन, यानी कि वांडर वाल्स समीकरण द्वारा वास्तविक गेसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गेस बाय वांडर वाल्स गेस इक्वेशन, यानी वांडर वाल्स समीकरण द्वारा वास्तविक गैसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण। अब हम लोग जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस इक्वेशन में जो डेविएशन हुआ था, उस डेविएशन से उसमें दो डेविएशन हुए थे। हम लोगों ने इससे पहले वाले जो वीडियो देखे उसमें हमने दो डेविएशन देखे, एक तो वॉल्यूम का डेविएशन था और दूसरा डेविएशन था वॉल्यूम के अलावा इसका प्रेशर का डेविएशन था। क्लियर है, एक तो वॉल्यूम डेविएशन था और एक प्रेशर डेविएशन था। अब उन दोनों डेविएशन से क्या हुआ, हमें एक इक्वेशन मिली। अब वो इक्वेशन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिली P+A² ठीक है V-B=RB, इसको हम बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन या वैन डर वाल्स गैस समीकरण। क्लियर है, तो इसको हम समीकरण नंबर एक दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी रहे, हम इसको समझते हैं। हमारे पास में इक्वेशन आई है P+A² V-B=RT, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं वैन डर वाल्स गैस समीकरण। अब इस ब्रैकेट को हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन किया तो P × क्या हो गया V, तो हमने लिख दिया PV। क्लियर है, जब हमने दोनों ब्रैकेट ओपन किया तो हमने लिख दिया PV। माइनस क्या होगा, आगे भी हम लोग देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है B, तो मैंने लिख दिया PB। पहला P का गुणा V से हुआ, फिर P का गुणा B से हुआ, तो PV और माइनस PB लिख दिया। आगे चले तो आगे इस टर्म को इससे सॉल्व करते हैं तो A/V आ गया। क्लियर है, माइनस क्या हो जाएगा अगली टर्म में AB/V² इस टर्म का जो गुणा इस B से हुआ इक्वल टू क्या आया RT, हमारे पास में इक्वेशन नंबर टू आ जाती है। क्लियर है, अब हम देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन टू आई है इसमें एक हमें पद दिखाई दे रहा है, एक पद क्या है, वो पद है हमारे पास में AB/V² हमारे पास में टर्म दिखाई दे रही, टर्म क्या है AB/V² आपको एक टर्म दिखाई दे रही, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान बहुत कम होता है। क्लियर है, जिसका मान क्या हो गया बहुत कम होता है, तो लिखेंगे इट इज लो वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई बहुत कम हो जाती, तो हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, इसलिए हम इसको क्या करेंगे इट इज नेग्लिजिबल, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो जब हम इसको नेग्लिजिबल मानेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या इक्वेशन बची, हम लिखेंगे AB/2 इट इज नेग्लिजिबल। ठीक है ना, यानी इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम यहां पर उपेक्षित मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं उपेक्षित माना जा सकता है। जब आप इसको उपेक्षित मान रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे समीकरण दो को एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हम लोग यहां पर देखो PV-PB+A/V = क्या लिख दिया मैंने RT। क्लियर है, PV-PB+A/V = RT, यानी मुझे मिल गई इक्वेशन नंबर कौन सी 3, यानी मुझे समीकरण नंबर 3 मिल जाती है। अब यदि हम लोग देखें कि आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, क्लियर है, तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमें क्या दिखाई देती है, तो आइडियल गैस इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा, हम लोगों ने पढ़ी थी PV = RT या PV = NRT थी। क्लियर है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर आदर्श गैस समीकरण यानी कि PIVI = क्या लिख सकते हैं हम लोग RT लिख सकते हैं। अतः यदि हम लोग कहें क्या PV-PB+A/V, क्लियर है, अब आप इस इक्वेशन को देखिए और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4, ठीक है, तो आप देखेंगे ये क्या है RT और ये भी क्या है RT, तो हम क्या लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से, तो ये दोनों एक दूसरे RT के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं PV-PB+A/V = क्या PIVI लिखा जा सकता है। क्लियर है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं RT,
हो तो ऐसी कंडीशन में ये जो गैस है कौन सी गैस, आइडियल गैस, ये कभी कभी रियल गैस की तरह व्यवहार करने लगती, यानी कह सकते हैं कि वास्तविक गैस का व्यवहार भी कभी कभी आदर्श के जैसा हो जाता है या आदर्श गैस का व्यवहार भी कभी कभी वास्तविक गैस का जैसा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रियल गैस इट इज फॉलोड बाय आइडियल गैस, तो इट इज हम ये कह सकते हैं कि इट इज रियल गैस समटाइम शोज करेक्टरिस्टिक्स बाय आइडियल गैस, तो वास्तविक गैस कभी कभी आइडियल गैस की तरह भी अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने लगती है। अब इस व्यवहार को हम क्या कर सकते हैं, तो हमें कह रहे हैं कि हम वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन की सहायता से क्या करेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग प्रेशर पर रियल गैस और आइडियल गैस की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और हम बात करते हैं कि इसको कैसे समझा जा सकता है। क्लियर है, तो हम अलग अलग कंडीशन की बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या होगी उसकी तरफ चल रहे हैं। पहली कंडीशन है एट वेरी लो प्रेशर, पहली एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। यदि आप इसको हिंदी में लिखें तो अत्यंत निम्न दाब, ठीक है। अब लो प्रेशर पर क्या हो सकता है, तो मैं कह के बहुत सारी गैसें ऐसे होती है या बहुत कम दाब पर यानी कि निम्न दाब पर गैसों का आयतन V बहुत अधिक हो जाता है, यदि आप दाब कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह रहे प्रेशर को हमने क्या कर दिया, लो कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो दाब को कम करने पर आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इस अवस्था में ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में या इस अवस्था में a by v तथा b दोनों के ही मान p तथा v की तुलना में बहुत कम हो जाते हैं। किस किस की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहां पर देखो दो कंडीशन की बात कर रहे हैं a by v, क्लियर है। तो एक तो बात हुई a by v और दूसरी बात किसकी होगी, b की। तो a by v और b इन दोनों के मान v की तुलना में बहुत कम हो जाते हैं, क्लियर है। तो हम कह रहे हैं कि a by v तथा b दोनों के ही मान p तथा v की तुलना में बहुत कम हो जाते हैं, p यानि प्रेशर और v यानि वॉल्यूम दोनों के कंपेयर में बहुत क्या हो जाएंगे, लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए हम उनको क्या मान सकते हैं, नेग्लेजेबल मान सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप नेग्लेजेबल मान रहे तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को यदि हम लोग लिखें, ठीक है, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आई थी कौन सी, इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। तो इस समीकरण में 3 को लिखूं तो मैं लिखता हूं समीकरण 3 को क्या करें, लिखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 को लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कम हो जाती क्योंकि हमने p को तो पहले ही कम कर दिया, p तो कम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके पास बचा क्या हुआ, pv और क्या बचा हुआ है, rt, तो pv इक्वल टू क्या हो जाएगा, rt हो जाएगा, क्लियर है ना। तो बात क्या हुई कि एट लो प्रेशर कम दाब पर p कम हो जाता है तो v क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब p कम होता है v बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में a by v और b को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्लियर है। नेग्लेजेबल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक टर्म में प्रेशर के टर्म और एक वॉल्यूम के टर्म में, तो दोनों को हमने क्या कर लिया, नेग्लेजेबल मान लिया। जब हमने उनको उपेक्षित मान लिया, जब उपेक्षित मान लिया जाता है तो P तो पहले से ही कम हो गया, तो P भी किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी के इक्वल हो जाता है। तो यह पहली कंडीशन क्या है, एट वेरी लो प्रेशर पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं अब एट लो प्रेशर पर, एट लो प्रेशर पर, अब हम बात कर रहे कम दाब पर, ठीक है। तो ये कहेंगे कि कम दाब पर V का आयतन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्लियर है। तो अब निम्न दाब पर, ठीक है ना, यहां पर भी क्या था, अधिक हो जाता, तो इसमें भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता, इसलिए इस अवस्था में V की तुलना में B का मान बहुत कम हो जाता है, किसकी तुलना में, V की तुलना में B का मान कम हो जाता है, तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, यहां पर B को क्या करेंगे, नेग्लेजेबल मान लेंगे। जब आपने B को नेग्लेजेबल मान लिया तो बचा क्या है, आपके पास बचा हुआ एक तो ये टर्म, दूसरी ये टर्म,
क्लियर है। तो आप क्या लिखोगे, आपके पास क्या बचा हुआ है, पीवी बचा हुआ है, क्लियर है, प्लस ए बाय वी बचा हुआ है। तो हम इसको लिखना चाहें तो मैं कैसे लिख सकता हूं इस टर्म को, इन दोनों को मिला के लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर, क्लियर है, पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक। और यहां पर क्या आ गया, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी हो गया, ठीक है ना, कब, जब निम्न दाब की बात हो रही है, ठीक है, या इस इक्वेशन पर अप्लाई करूं उसी चीज को, मैं कौन सी इक्वेशन पर, इस इक्वेशन पर अप्लाई करूं, तो यदि फर्स्ट पे अप्लाई करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मैं बी को नेग्लिजिबल मान सकता हूं। तो जब मैं बी को नेग्लिजिबल मान लूंगा तो क्या बचा, तो बचा देखो पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी इक्वल टू आर डी बच जाता। तो ये कब होता है, एट लो प्रेशर पर बात हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि जेड होता है, क्लियर ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि जो जेड होता है उसकी वैल्यू भी एक से कम हो जाती है, ठीक है ना। इसको और आगे लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखें यहां पर पीवी, इसका गुणा वी से किया तो पीवी हो गया, प्लस क्या लिखूंगा मैं ए बाय वी, इसको इससे किया तो वी से भी कैंसिल हो गया, तो ए बाय वी इक्वल टू क्या हो जाता है, आर डी हो गया, ठीक है। आगे चले तो हम क्या लिख सकते हैं, पीवी, ये रहा पीवी, ये क्या दे रखा ए बाय वी, क्लियर है। तो इसको मैं इधर की तरफ लेके जाऊं तो मैं यहां पे लिखूंगा आर टी माइनस ए बाय वी, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो पीवी इक्वल टू क्या हो गया, आर टी माइनस, और इसको सिस्टमेटिकली लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, देखो पीवी बाय क्या लिखा जा सकता है, आर टी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल हो गया, और जब वन के इक्वल होता है तो ये क्या हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाता है, वन से कम हो जाता है, कब, एट लो प्रेशर पर। चलो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन है हमारी एट किस पर, तीसरी कंडीशन क्या है, एट हाई प्रेशर। तीसरी कंडीशन है एट हाई प्रेशर, ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी, हाई प्रेशर पर। अब हाई प्रेशर पर क्या हो जाता है, तो उच्च दाब पर क्या करें, हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, क्लियर है ना। तो हमने जब प्रेशर को बढ़ा दिया तो हम क्या बोलेंगे कि जब प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी वी की मान बढ़ जाता है, तो इसका मान इतना कम हो जाता है कि बी के अणुओं का आयतन वी के आयतन के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो इस अवस्था में ए बाय वी स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, क्लियर है। इसलिए हम P के कंपेयर में A बाय वी स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्लियर है। और जब नेग्लिजिबल मानेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में बचा क्या, तो जब आपने A बाय वी स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लिया तो हमारे पास में क्या बचा हुआ है, तो पी वी बचा हुआ है, तो ठीक है, माइनस क्या बचा हुआ है, पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी हो जाएगा, क्लियर ना। हमारी एक ऐसी इक्वेशन है पी प्लस, देखो हमारी क्या है, पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर b माइनस बी इक्वल टू आर डी है। इसमें हमने क्या किया, हमने ये कहा कि हमने एक टर्म को नेग्लिजिबल मान लिया, इसको नेग्लिजिबल मान लिया तो इसको नेग्लिजिबल मान लिया, जब इसको नेग्लिजिबल मान लिया तो बचा क्या है, पी वी और पी बी, तो पी वी और पी बी किसके इक्वल टू हो गया, आर डी के इक्वल, क्लियर है। और इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आर टी प्लस पी बी लिखा जा सकता है, क्लियर, इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब पर, उच्च दाब पर पीवी किसके इक्वल हो गया, तो हाई प्रेशर पर पीवी आर डी प्लस पीवी के इक्वल टू हो जाता है, क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ए बाय वी स्क्वायर क्या हो जाता है, वह इफेक्टिव फैक्टर हो जाता है, और इफेक्टिव फैक्टर हो जाने के कारण पीवी को यहां पर प्रीडोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं एट हाई टेम्परेचर, चौथी कंडीशन क्या है, एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, ठीक है। तो उच्च ताप पर गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ए बाय बी स्क्वायर का मान बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ऐसी कंडीशन में ए बाय वी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता, सॉरी ए बाय वी स्क्वायर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है, इसे इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जब आप नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो इस टर्म में
यहां पर a by v square और b इन दोनों टर्म को आप negligible मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि temperature high हो गया और volume भी high हो गया, ऐसी condition में इन दोनों को आपने क्या कर दिया, negligible मान लिया। तो क्या बचा, PV equal to वापस क्या हो गया, RT, यहां बचा P और यहां क्या बचा V, तो PV equal to क्या हो जाता है, RT, क्लियर है? तो ये हमारी कुछ कंडीशंस हम लोगों ने देखी। आगे लास्ट कंडीशन की तरफ हम लोग चलते हैं और वो है एट लो टेंपरेचर, लास्ट है फिफ्थ, एट लो टेंपरेचर यानी कि कम ताप पर। अब कम ताप पे क्या होता है, तो निम्न ताप पर गैसों का आयतन बहुत कम हो जाता है, अतः a by v square की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। जब a by v की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में a by v और ab के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण pv की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, और जो गैसें होती है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन उनमें हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने कहा कि कौन सी कंडीशन है, तो एट वेरी लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर, क्लियर है? तो ये हमने पांच अलग अलग कंडीशंस को इसके अंदर देखा, और इसके अंदर जो लास्ट हेडिंग आएगी वो हमारी है लिमिटेशंस ऑफ वांडरवाल्स गैस इक्वेशन। जो वांडरवाल्स गैस इक्वेशन है उसकी क्या लिमिटेशन है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारी इसके अंदर अगली हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ वांडरवाल्स गैस इक्वेशन। लिमिटेशंस ऑफ वांडरवाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है? तो वांडरवाल्स गैस समीकरण की क्या बोलते हैं लिमिटेशन को, सीमाएं, ठीक है? तो क्या लिमिटेशन हो सकती है, तो हम लोग जानते हैं कि वांडरवाल्स गैस समीकरण में ए और बी जो होते हैं वो कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं हो सकते। तो पहली कंडीशन है कि वांडरवाल्स इक्वेशन में ए और बी कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं हो सकते, मतलब क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर यानी कि ताप परिवर्तन के साथ में उनके मान भी बदलते हैं। तो कह सकते हैं कि वांडरवाल कांस्टेंट ए और बी इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल बाय टेम्परेचर चेंज, यानी कि ताप में परिवर्तन के साथ साथ ए और बी के मान भी बदलते हैं। अगली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है वांडरवाल्स समीकरण में Vc का मान 3b के बराबर हो, Vc की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3b के इक्वल हो जाती है, किंतु एक्सपेरिमेंटली अधिकांश केसों में ये Vc की वैल्यू 2b और 4b के इक्वल होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है। अगली कंडीशन, अब आप बोलोगे कि सर ये Vc 3b ये क्या है, तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आप लोग इसको समझोगे। आगे बात करें, इस समीकरण के द्वारा किसकी बात हो रही है, RTC, ठीक है, बाय PCVC का वैल्यू 2.67 प्राप्त होता है, किंतु अधिकांश पदार्थों में इसका अनुपात इसका अनुपात 3 या 4 हो जाता है। तो उसके कहने का मतलब है कि मैक्सिमम गैस में RTC बाय PCVC वैल्यू 2.67 होती है, किंतु मैक्सिमम कंडीशन में ये वैल्यू 3 या 4 तक भी वेरी हो सकती है। आगे बात करें, इसकी एक और कंडीशन है कि थ्योरेटिकल फॉर्म में बायस टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है, क्लियर है? और हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप होने पर भी समीकरण में पीसी जो होता है वो कंटिन्यूस कर्व के फॉर्म में मिलता है, किंतु रियल गैस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इस गैस के कुछ लिमिटेशंस है, क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है क्रिटिकल फिनोमिना, क्लियर? तो ये जो वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो गुड, बेटर, बेस्ट, या फिर कोई कमी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।
तथा हमारे वीडियो को लाइक करें, जो अपने फ्रेंड लोग बीएससी कर रहे हैं उनके पास में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इनसे पढ़ सके। क्लियर है? और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सके। धन्यवाद दोस्तों।